ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास अपनी होगी रेस्क्यू रोल के ऊपर, है ना। उससे क्या क्या अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको बताएंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, है ना, जिससे आपको और इससे रिलेटेड टॉपिक में वीडियो मिलते रहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इससे रिलेटेड MCQ पे क्लास के बाद MCQ मिल जाएंगे, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल में, ठीक है। रेस्क्यू रोल के ऊपर आज अपन शुरू करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आने के आ सकते हैं ना अपने पेपर में, ठीक है। शुरू करते हैं रेस्क्यू रोल के बारे में, ठीक है। सबसे पहला तो अपना क्वेश्चन बनेगा कि अपना रेस्क्यू रोल कब लागू हुआ, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 2 अप्रैल, ठीक है, 1985 को, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और फिर माइन रेस्क्यू रूल 1985 के पहले किस रूल पे रेस्क्यू वर्क करता था, मतलब इसके पहले कौन सा था, तो माइन रेस्क्यू रूल, है ना, क्वेश्चन आएगा तो 1959, ठीक है, माइन रेस्क्यू रूल 1959 पे वर्क करता, ठीक है। इसके बाद अपना कौन सा आया, तो माइन रेस्क्यू रूल 1985 कब लागू हुआ, 2 अप्रैल 1985, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक। ये कहाँ कहाँ लागू होता है, तो इंडिया की सभी अंडरग्राउंड माइंस में लागू होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में, ओपन कास्ट में नहीं। क्वेश्चन बनेगा कहाँ कहाँ लागू होता है, तो इंडिया की सभी अंडरग्राउंड माइंस में लागू होता है अपना रेस्क्यू रूल, ठीक है, ओपन कास्ट में नहीं होता, ठीक है। फिर अब शुरू करते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, इतनी चीजें यहाँ से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कब लागू हुआ, ठीक है, कहाँ लागू होता है, ठीक है, रेस्क्यू रूल सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस में होता है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट अपना क्या है, शॉर्ट टाइटल डेफिनेशन, दिस रूल में भी कॉल्ड इस रूल को अपन क्या कहते हैं, रेस्क्यू रूल 1985, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, जितने भी रूल है वो माइन एक्ट 1952 के सेक्शन किसके आधार पर बनते हैं, सेक्शन 58 के, ठीक है, और रेगुलेशन सेक्शन 57 के आधार पर बनते हैं, जितने भी रूल है, रेस्क्यू रूल, VT रूल, सब किसके आधार पर बनते हैं, माइन एक्ट के सेक्शन 58 के आधार पर, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इस रूल को अपन क्या कहते हैं, तो माइन रेस्क्यू रूल 1985, ये कहाँ अप्लाई होता है, बिलो ग्राउंड माइंस में, ठीक है, कब आया, कब लागू हुआ, 2 अप्रैल 1985 को, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन दी उसको देख लेते हैं, एक्ट मतलब क्या होता है, तो माइन एक्ट 1952, ठीक है, बिलो ग्राउंड माइंस, अंडरग्राउंड माइंस आपसे कोई पूछे किसे कहेंगे, तो एक शब्दों में बताइएगा, सुपर जेसेंट रॉक के नीचे से जब अपन मिनरल निकालते हैं तो उस माइंस को अपन क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड माइंस कहते हैं, ठीक है। सुपर जेसेंट रॉक क्या होता है, जिसे अपना क्या है, ये माइंस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ड रॉक होगा, फिर इसके नीचे क्या होगा, मिनरल होगा, इस हार्ड रॉक के नीचे से जो मिनरल निकालने का काम होता है, इसी हार्ड रॉक को अपन क्या कहते हैं, सुपर जेसेंट रॉक, ठीक है। तो सुपर जेसेंट रॉक के नीचे से जो अपन मिनरल निकालने का काम करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, अंडरग्राउंड, ठीक है। और सरफेस पे लार्ज होल करके, ठीक है, जब अपन मिनरल निकालते उसको अपन क्या कहते हैं, ओपन कास्ट माइंस, ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर, तो माइन 1952 के सेक्शन 5 के अनुसार क्या नियुक्त किया जाता है अपना चीफ इंस्पेक्टर, क्वेश्चन बनेगा किस सेक्शन के अधीन चीफ इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाता है माइन एक्ट के सेक्शन 5 के, ठीक है, इतना चीजें याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सबको पता है, इंस्ट्रक्टर मैनेजर काम सुपरविजन कंट्रोल डायरेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजर किस सेक्शन के अधीन नियुक्त किया जाता है, सेक्शन 17 के अधीन, ठीक है, माइन एक्ट के सेक्शन 17 के अधीन, ठीक है, इसको याद रखेंगे, अभी माइन एक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर रेस्क्यू रूम और रेस्क्यू स्टेशन, इसको दोनों के इकट्ठे समझा देते हैं, ठीक है, रेस्क्यू रूम को और रेस्क्यू स्टेशन को, इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। रेस्क्यू रूम जो रहेगा अपना किस रूल के अनुसार काम करेगा, किस रूल के अधीन, तो रूल 3 के, ठीक है, रूल 3 के, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन की एज पूछता है, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन की एज तो कितनी रहेगी अपनी, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन की एज कितनी रहती है, इसको वाइट, हाँ, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन की एज कितनी रहेगी, तो 21 से 30, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। अगला अपना बनेगा रेस्क्यू स्टेशन में टोटल ब्रिगेड मेंबर कितने रहेंगे, रेस्क्यू स्टेशन में,
टोटल ब्रिगेड मेंबर कितने रहेंगे, 18, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब रेस्क्यू रूम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। रेस्क्यू रूम क्या क्या क्वेश्चन आएगा, देखो अगर माइन के 35 किलोमीटर के अंदर कोई भी रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, ठीक है, कितने किलोमीटर के अंदर, 35 किलोमीटर के अंदर, तो अपन क्या बनाते हैं, रेस्क्यू रूम। क्वेश्चन आए कितने किलोमीटर के अंदर अगर रेस्क्यू स्टेशन नहीं तो रेस्क्यू रूम बनाएंगे, तो 35 किलोमीटर के अंदर अगर कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं तब अपन क्या बनाएंगे, रेस्क्यू रूम बनाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, रेस्क्यू रूम कितने लोगों पर बनाना है, तो मोर देन 100, 100 से ज्यादा लोगों पर अपन क्या बनाएंगे, रेस्क्यू रूम। ठीक है, याद रखेंगे। क्या एक रेस्क्यू रूम कई माइंस के लिए, यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा माइंस है वहां आसपास तो अपन एक रेस्क्यू रूम यूज कर सकते हैं, और उसकी एक कंडीशन है कि 5000 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए। अगर 5000 से ज्यादा लोग है तब यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी अपन एक रेस्क्यू रूम को कई खदानों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सभी रेस्क्यू रूम माइंस के कितने किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, तो सभी रेस्क्यू रूम रूल माइन के 35 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रेस्क्यू रूम कहाँ पे बनाना है, ये परमिशन कौन देगा, तो चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, रेस्क्यू रूम की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ऑनर की। ठीक है, इतने क्वेश्चन बने रेस्क्यू रूम से। ठीक है, हाँ अभी था, अब दूसरी चीज बता देते हैं और क्या एमसीक्यू बन सकता है। अगला बनता है आप लोग का कि रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्ति को एक साल में कितनी ट्रेनिंग देते हैं, रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्ति को, तो पूछेगा अंडरग्राउंड में कितनी देते हैं, 4। ठीक है, गैलरी में कितनी देते हैं, 4। ठीक है, जैसे फौजियों को देते हैं, भाई ट्रेनिंग करेंगे तब ना फिर उसको समय पे कर पाएंगे ना, ट्रेनिंग कैसे है ना, तो टोटल कितनी, 8 ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को, ठीक है, एक साल में। ठीक है, अगला है अपना फ्रेश एयर बेस क्या होता है, FAB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रेश एयर बेस। ये क्यों बनाते हैं, तो जहाँ पर अपना रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन तैयार होते हैं ना, जहाँ पर फ्रेश एयर पहुँचती है वहाँ पे फ्रेश एयर बेस बनाते हैं, और किस लिए बनाते हैं, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को तैयार होने के लिए, है ना, अपना तैयार होके यहीं से जाते हैं, कहाँ से, फ्रेश एयर बेस से। ठीक है, तैयार होके जाते हैं, ये दोनों जगह हो सकती है, अंडरग्राउंड में भी फ्रेश एयर बेस बना सकते हो और ओपन कास्ट में भी। ठीक है, फिर रेस्क्यू टीम में कम से कम ज़्यादा कितने लोग रहेंगे पूछेगा, मैक्सिमम रेस्क्यू टीम में 6 लोग रहेंगे। ठीक है, एक रेस्क्यू टीम में। ठीक है, अगला है 100 से लेके 500 तक कितने रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रखेंगे, तो 5। ठीक है, फिर प्रति 100 पे अपन एक बढ़ा देंगे, जैसे 600 हो गया कितने हो जाएंगे, 6, 700 हो गया तो 7, 800 हो गया तो 8। ठीक है, तो 100 से 500 तक कितने, 5। ठीक, इसको याद रखेंगे, फिर प्रति 100 पे एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को बढ़ा देना। ठीक है, ये हो गया, और क्या याद रखेंगे, रेस्क्यू रूम से इक्विपमेंट पूछता है क्या क्या रखना है। ठीक है, तो 2 घंटे तक काम करने वाला सेल्फ कंटेंट बैठे के पर्चर के कितने सेट रखना है, 15, कितने, 15। ठीक है, 2 घंटे तक काम करने वाले, और बहुत सारे सामान रहते हैं उसको कल बता देंगे। ठीक है, अभी तक देखें, फिर आप लोग देखें, ये हो गया है ना, अब और क्या छूट रहा है यहाँ से रेस्क्यू से, हाँ कुछ चीजें और देख लेते हैं थोड़ी बहुत नॉर्मल जो आ सकती है। ठीक है, कई कई पूछता है अपना कौन कौन होता है रेस्क्यू रूम में, तो एक सुपरिटेंडेंट होता है ना, सुपरिटेंडेंट एक ही रहता है। ठीक है, 2 इंस्ट्रक्टर रखते हैं अपन, पूछता है सुपरिटेंडेंट कितने रहेंगे, 1 सुपरिटेंडेंट मतलब जो सबसे हेड होता है, 2 अपना क्या रखना है इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कभी कभी सुपरिटेंडेंट की क्वालिफिकेशन पूछता है, सुपरिटेंडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होगी, 5 ईयर को उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो अंडरग्राउंड में। ठीक है, दूसरा क्या है, उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए FMC। ठीक है, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये सुपरिटेंडेंट का क्या हो गया, क्वालिफिकेशन। अगला अपना क्या है, इंस्ट्रक्टर,
इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो अंडरग्राउंड में, ठीक है, और उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट हो, चाहे वो FMC हो, चाहे सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो, चाहे फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो, ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और कुछ तो नहीं छूट रहा है ना? हाँ, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को कितने साल तक काम कर सकता है, एक बार नियुक्त कर देते हैं तो 5 साल तक, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इस वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल 3 साल, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन का कार्यकाल 5 साल, ठीक। रेस्क्यू रूम एक इंचार्ज होता है, उसकी क्वालिफिकेशन पूछता है रेस्क्यू रूम इंचार्ज की, तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो अंडरग्राउंड में, ठीक है, और उसके पास मैनेजर फोरमैन ओवरमैन सर्टिफिकेट हो, इनमें से कोई से भी सर्टिफिकेट हो, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। रेस्क्यू रूम बनाने के लिए जगह कौन डिसाइड करता है, अपना चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। अगर एक बार हमने रेस्क्यू रूम बना दिया तो कम से कम उसको कितने साल तक यूज करना है, तो 3 साल तक, ऐसा नहीं बना के फिर दूसरी जगह ले गए छोड़ दिया, कम से कम उसको 3 साल तक यूज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक, अब चलते हैं अपन रूल 2, ठीक है। अब देखते हैं अपना रूल 3 से क्या क्या जरूरी क्वेश्चन बन सकता है। एस्टेब्लिश एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू स्टेशन किस रूल के अनुसार बनाएंगे, तो रूल 3 के याद रखेंगे, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है इसको पढ़ के समझाते हैं, ठीक है। द चीफ इंस्पेक्टर में भी परमिट रिक्वायर्ड टू बिलो ग्राउंड माइन ग्रुप, चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन चाहिए, ठीक है, रेस्क्यू स्टेशन बनाने के लिए, ठीक है। एस्टेब्लिश मेंटेन रेस्क्यू स्टेशन विद इन अ डिजाइन सच प्लेस में भी कंसिडर, ठीक है, और वो कहाँ पे बनाया जाए कौन डिसाइड करेगा, चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी अपने ओनर की, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो एक से ज्यादा ओनर किसी माइंस के, ठीक है, मान लो आसपास 3-4 माइंस है ना, तो एक कॉमन रेस्क्यू रूम बनाया जा सकता है चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन से, ठीक है, कॉमन रेस्क्यू स्टेशन बना सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड स्टूडेंट गोइंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रूल, ठीक है, कम से कम एक बार रेस्क्यू स्टेशन बना दिए तो कितने साल तक उसको यूज करेंगे, तो 3 ईयर तक, ठीक है। एवरी स्टेशन शैल बी अपॉइंट सुपरिटेंडेंट एटलीस्ट 2 इंस्ट्रक्टर, ठीक है, हर रेस्क्यू स्टेशन में एक सुपरिटेंडेंट रहेगा और 2 इंस्ट्रक्टर रहेंगे अपने, ठीक है, इसको याद रखना। शैल बी मेंटेन रेस्क्यू ब्रिगेड नॉट लेस देन 18 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, ठीक है, रेस्क्यू ब्रिगेड की संख्या कितनी होगी, तो 18 सब दिया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इन द केस ऑफ सुपरिटेंडेंट आर रेस्क्यू स्टेशन 60 डेज, अगर किसी कारणवश मान लो 60 दिन से अधिक रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट अब्सेंट है या नहीं आता है काम में, तो ओनर दूसरा सुपरिटेंडेंट रख सकता है, ठीक है। पूछेगा कितने दिन तक अगर सुपरिटेंडेंट काम में नहीं आता दूसरा रख लेंगे, तो 60 दिन से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। द ओनर शैल विद इन 7 डेज डेट एजुमेशन चार्ज, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर इन चार्ज रीजन, ठीक है, अगर मान लो अपना चीफ अपना सुपरिटेंडेंट रिजाइन दे देता है, ठीक है, किसी कारणवश नहीं आता है, ठीक है, तो इस हमको नया रखना है, तो इसकी सोचना कितने दिनों के अंदर देना चीफ इंस्पेक्टर को, 7 दिनों के अंदर देना है, कितने दिनों के अंदर देना है, 7 दिनों के अंदर देना है, किस फॉर्म में भर के देना है, तो फॉर्म 1st में, ठीक है। इतना हो गया, बाकी अपन अब कल देखेंगे।